नमस्कार, बपोरना दूरदर्शन समाचार में आपनो स्वागत छे। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की चीन यात्रा आज बीजो दिवस हतो। चीनना राष्ट्रपति शी जिनपिंग साथ अनौपचारिक मुलाकात कर्या बाद प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी हाल स्वदेश रवाना थया छे। बन्ने नेताओं की अनौपचारिक मुलाकात डबल डेकर नावनी सवारी दरमियान थई। विदेश सचिव विजय गोखले और विदेश मंत्रालय प्रवक्ता रवीशकुमार प्रेस कॉन्फरेंस कर जणाव्युं हतुं कि मोदी और जिनपिंग वच्चे विश्व में शांति जळवाय ते माटे चर्चा विचारणा थई हती। शी जिनपिंगे आतंकवाद ने खतरो गणावता तेनी निंदा करी छे अने आतंकवाद सामेनी लड़ाई में बन्ने देशों सहयोग माटे प्रतिबद्ध थया हता। बन्ने देशना नेताओं वच्चे सीमा पर शांति जाळवी राखवा पर पण सहमति दर्शावामां आवी हती अने बन्ने देशना नेताओं पोतानी सेनाओं ने व्यूहात्मक मार्गदर्शन आपवानुं नक्की कर्युं छे। चीन अने भारत वच्चे व्यापारना मुद्दाओ पर पण चर्चाओ थई हती। बन्ने राजनेताओं वच्चेनी आ मुलाकात अत्यंत अगत्यनी मानवामां आवी रही छे। एवी आशा छे कि आ मुलाकातथी बन्ने देशोना संबंधो वधु मजबूत बनवानी दिशामां नवो अध्याय शरू थयो छे। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आज मध्यप्रदेश बे दिवस प्रवासे छे। तेमणे सागर विश्वविद्यालय 27मा दीक्षांत समारंभ में हाजरी आपी हती। आ समारंभ ने संबोधता राष्ट्रपति रामनाथ कोविंदे जणाव्युं हतुं कि आज शिक्षण क्षेत्रे दीकरीओ दीकराओ करता वधु सारू प्रदर्शन करी रही छे। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंदे डॉ हरिसिंह गौर विश्वविद्यालय संत कबीरना 620मा प्रकटोत्सव ने संबोधन कर्युं। काले तेओ गुना जिल्लाना बामोरी में असंगठित श्रमिक सम्मेलन में मुख्य अतिथि तरीके हाजरी आपशे। त्यारबाद राष्ट्रपति गुना रवाना थशे अने त्यां मिनी स्मार्ट सिटीना शुभारंभ समारोह में मुख्य अतिथि तरीके हाजरी आपशे। ब्रिटननी अदालते विवादित कारोबारी विजय माल्याना प्रत्यार्पण साथे जोड़ायेल केस में भारतीय अधिकारियों द्वारा रजू करायेला दस्तावेजों स्वीकार कर्यो छे। माल्या 9,000 करोड़ रूपयानी छेतरपिंडी केस में भारत में वोन्टेड छे। गत वर्षे एप्रिल में स्कॉटलैंड यार्ड तरफ थी प्रत्यार्पण वॉरंट पर धरपकड़ बाद माल्या जामीन पर छे। शुक्रवारे माल्यानी जामीननी तारीख 11 जुलाई करवामां आवी छे। गत वर्षे 4 डिसेम्बरे लंडननी अदालत में आ केसनी सुनावणी शुरू थई हती। तेनो उद्देश्य माल्या सामे छेतरपिंडी केस ने साबित करवानो छे। माल्या मार्च 2016 भारत छोड़ीने गया बाद ब्रिटन में रहे छे। यूपीएससी द्वारा लेवाती देश की प्रतिष्ठित सीविल सेवा परीक्षा 2017 परिणाम गई काल मोड़ी सांजे जाहिर थयुं हतुं। आ परीक्षा में कुल 990 उम्मीदवारों ने सफल जाहिर करवामां आव्या छे। प्रीलिम्स मेन्स और इंटरव्यूना 3 तबक्का में लेवाती आ कठिन परीक्षाओं में गुजरात विद्यार्थी पास थया छे। आ मुजब गुजरात की ममता हिरपराए 45मो रैंक प्राप्त कर्यो छे। अत्यारे कृति पटेल 218मो रैंक, पारितोष व्यासे 342मा रैंक, सफीन हसने 570मो रैंक, देवेन केशवालाए 702मो रैंक, रियाज सरवैयाए 801मो रैंक, मोहित पंचाले 846, अमिते 936मो रैंक मेळव्यो हतो। रिजल्ट जाहिर थता विद्यार्थीओमां खुशीनो माहोल छवाई गयो छे। आ प्रसंगे गुजरातना मुख्यमंत्री विजयभाई रूपाणीए पण उत्तीर्ण थयेला गुजरातना युवानोए हार्दिक अभिनंदन पाठव्या हता। आ युवानोए राज्य सरकार संचालित स्पीपामां पूर्व परीक्षानी तालीम मेळवी हती। मुख्यमंत्री आ नव युवा वहीवटी सेवाओमां जोड़ाईने गुजरातनुं गौरव वधारशे तेवी अपेक्षा व्यक्त करी छे। आ परीक्षामां समग्र देशमां तेलंगणाना अनुदीप शेट्टी प्रथम क्रमे आव्या छे, ज्यारे द्वितीय क्रमे हरियाणाना अनुकुमारी मैदान मारी गया हता। उल्लेखनीय छे कि अनुकुमारी 4 वर्षना बाळकना माता पण छे। केके बिरला फाउंडेशन द्वारा सरस्वती सम्मान 2017 माटे गुजरात प्रसिद्ध साहित्यकार अने साहित्य परिषदना प्रमुख सितांशु यशस्वचंद्रनी 2009मां प्रकाशित थयेला काव्य संग्रह वखार माटे पसंदगी करवामां आवी छे। आ पुस्तकनी पसंदगी माटे रूपया 15 लाखनुं इनाम अने प्रशस्तिपत्र एनायत करायुं। नोंधनीय छे कि वर्ष 1991 भारतनी बंधारणीय भाषाओमां थता साहित्यिक सर्जनो माटे उच्च स्तरीय समिति द्वारा आ पसंदगी करवामां आवी छे। आ प्रक्रियामां देशना विविध भाषाना नामांकित साहित्यकारोनुं अनेरुं योगदान होय छे। पोतानी परावास्तववादी कविताओथी प्रख्यात सितांशु यशश्चंद्र मेहतानो वखार काव्यसंग्रह 7 दीर्घकाव्यों संपुट छे। अरवली जिल्लाना बायडना वात्रक पासे आवेली आर्ट्स कॉलेज पासे हिट एंड रनની घटना बनी हती, जेमा लग्न प्रसंगमां जई रहेला भाई बहेनने अकस्मात नड़ता अकस्मातमां बहेननुं घटना स्थळे मौत निपजी हतुं, ज्यारे अकस्मात सर्जी आयसर चालक गाड़ी लईने फरार थई गयो हतो। फरार आयसर चालकने झड़पी पाडवा बायड पोलीसे तपास शुरू करी हती। नमस्कार।